हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएई बनाम न्यूजीलैंड के बीच जो कि दोस्तों ये T20 मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसे है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ। लास्ट टाइम आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यार सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, यूएई से वसीम मोहम्मद, अरियान शर्मा, प्रत्यारविंद, आसिफ खान, अंश तंदूर, वासिल आमिद, एम फराजुद्दीन, अली नसीर जो कि दोस्तों कैप्टन है यूएई के, अयान खान, जहूर खान एंड जुनैद सिद्दीकी। दोस्तों, आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि यूएई की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। टिम सैफर्ट, चैड बॉस, डैन क्लिवर, मार्क सपमन, मिचेल सेंटनर, जेमी नीसम, कॉल एमसी, रचिन रविंद्र, टिम साउदी, कायल जैमिसन, वैन लिस्टर। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है। बात करूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की तो बता दूँ दोस्तों, ये मुकाबला जो कि 19 अगस्त सैटरडे को शाम को 7:30 बजे से ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करूँ जाएगी पिच रिपोर्ट की तो दोस्तों आपको बता दूँ, बैटिंग पिच अभी तक टोटल यहाँ 85 मैचेस खेले गए हैं जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर जो कि दोस्तों 39 मुकाबले विन किए हैं। एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 45 मुकाबले विन किए हैं। फ्रेंड्स, बात करूँ फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की तो दोस्तों 144 रहा है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। एंड 8.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। स्कोर रिकॉर्ड की तो टोटल मैच होगी 85 खेले गए हैं दोस्तों। एंड हाइएस्ट टोटल 212 दो विकेट के साथ। एंड लोवेस्ट टोटल 55 रन 10 विकेट के साथ। हाइएस्ट जो स्कोर हुआ है 184 8 विकेट के साथ हुआ है। एंड लोवेस्ट 134 रन 7 विकेट के साथ। मैच प्रू की बात करूँ, उससे पहले बता दूँ दोस्तों, इस मैच में 5000 रुपये का फ्री गिव अवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पॉसिबल 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस फ्री गिव अवे का एंजॉय ले सकते हैं। बात करूँ फैस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तो दोस्तों आपको बता दूँ, जो कि न्यूजीलैंड गुड फॉर्म में, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस यूएई टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, वसीम मोहम्मद को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड रोहन मुस्तफ़ा को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। बात करूँ फैस हेड टू हेड मुकाबले की तो दोस्तों दोनों टीमों की अभी एक हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया है, लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोड पर देख सकते हो। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ फैस तो टॉप ओवर बैटर आप जरूर पिक करिए, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग करें उनके लास्ट में लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फैस, आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जल्द से कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ विकेट कीपर में तो दोस्तों प्रत्यारविंद आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। पिच जो कि दोस्तों पेसर्स और स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बैटिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ फैंस तो न्यूजीलैंड जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ यूनाइटेड अरब टीम से, जो आप 7-4 का कम्बिनेशन अपने फेवर में न्यूजीलैंड को रख सकते हैं। बात करूँ फैस कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि यूएई के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर से करिए, वसीम मोहम्मद, प्रत्यारविंद, रोहन मुस्तफ़ा, वसील अहमद, ए खान, ए नसीर, जे सिद्दीकी या दोस्तों जे ज्ञानी की दोस्तों एक कोई खेल सकता है। बात करूँ फैस मुख्य खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर से करिए, टिम सैफर्ट, विलियग, मार्क सपमन, रजन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, जेमी नीसम एंड टिम साउदी जो कि दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि न्यूजीलैंड के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर से करिए, खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ फैस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की तो दोस्तों आपको बता दूँ, प्रत्यारविंद को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड वसील मोहम्मद को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। मार्क सपमन एज अ वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो एंड टिम साउदी को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ फैस इंजर्ड की दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है फैंस। बात करो अपनी फैंटेसी टीम की तो दोस्तों आपको बता दूँ, विकेट कीपर में मैंने टिम सैफर्ट को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन में मैंने दोस्तों विलियंग, वसीम मोहम्मद, आसिफ खान एंड सी बॉस को दोस्तों सेलेक्ट किया है, और राउंड मैंने दोस्तों आर मुस्तफ़ा, वी हमीद एंड आर रविंद्र को सिलेक्ट किया है। बॉलर में दोस्तों टिम साउदी, जैड खान
एंड जी सिद्दीकी को दोस्तों सिलेक्ट किया है कैप्टन। वाइस कैप्टन की बात करो फिर, कैप्टन जो कि दोस्तों वैसे मोहम्मद को बनाया है एंड वाइस कैप्टन आज मुस्तफा को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन बनाया है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फैस आई होप फैस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम पर एक्सेल आता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो में पिक्चर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।